गुड मॉर्निंग क्लास 8। टुडे वी विल स्टडी लेसन 20 द यूनिवर्स, यानी हम कुछ बातें पढ़ेंगे हमारे ब्रह्मांड के बारे में। यूनिवर्स मतलब क्या होता है? यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। द यूनिवर्स इज एवरीथिंग, यूनिवर्स सब कुछ है दैट वी कैन एवर नो, जो हम जानते हैं। ऑल ऑफ स्पेस एंड ऑल ऑफ टाइम, हर चीज स्पेस के बारे में और वक्त के बारे में। लेट अस रीड सम फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स। चलिए कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं किसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट इंटायरली एम्प्टी, यानी जो ब्रह्मांड है वो इंटायरली यानी पूरी तरह से एम्प्टी यानी खाली है। किस चीज़ से? विथ स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी छोटे छोटे समूहों के पदार्थों और ऊर्जा से जो हमारा ब्रह्मांड है वो पूरी तरह से एम्प्टी है यानी खाली है। द यूनिवर्स इज प्रोबेबली अबाउट 15 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जो हमारा यूनिवर्स है वो प्रोबेबली यानी शायद या अनुमान के हिसाब से कितने साल पुराना है? 15 बिलियन। लेकिन एस्टिमेट्स वेराई, सबके अनुमान अलग अलग है। ये मतलब बिल्कुल पूरा नहीं है कि 15 बिलियन ही है हमारा जो यूनिवर्स है वो 15 ईयर्स ओल्ड ही है। ये 15 बिलियन ईयर्स ओल्ड ये सिर्फ एक अनुमान है और लोग अलग अलग अनुमान लगाते रहते हैं। फॉर द फर्स्ट 380,000 ईयर्स और सो द यूनिवर्स वॉज एक्सट्रीमली टू हॉट फॉर लाइट टू शाइन, यानी जो हमारा यूनिवर्स था वो इतने सालों पहले क्या था, इतना ज़्यादा गर्म था, एक्सट्रीमली यानी अत्यंत बहुत ज़्यादा गर्म था, जिससे कि जो लाइट थी जो चमक थी वो पूरी तरह से आ ही नहीं पाती थी, मिल ही नहीं पाती थी। द हीट ऑफ क्रिएशन स्मैश्ड एटम्स, जो हीट थी जो गर्मी थी वो इतनी ज़्यादा रहती थी कि उससे जो एटम्स थे वो टूट जाते थे, टुगेदर विद इनफ फोर्स टू ब्रेक देम अप इनटू डेंस प्लाज्मा, यानी इतनी ज़्यादा हीट रहती थी कि वो एटम्स को तोड़ के उनको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करके प्लाज्मा में बना देती थी। और एन ओपेक सूप ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट स्कैटर्ड लाइट लाइक फॉग, जो ये ओपेक्यू यानी एक धुंधला सा, ओपेक्यू यानी धुंधला, एक ये था जो कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता था, इनसे लाइट बिखेरता था जो कि फॉग की तरह होती थी, फॉग की तरह यानी कोहरे की तरह पूरे में छा जाती थी। वन प्रॉब्लम विद वर्किंग आउट द एज ऑफ द यूनिवर्स इज, एक प्रॉब्लम जो कि एज की यूनिवर्स की वर्किंग के अकॉर्डिंग है वो क्या है कि देयर आर स्टार्स इन आर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं विच आर थॉट टू बी 14 to 18 billion ईयर्स ओल्ड, जो कि सोच के अनुसार हमारी थिंकिंग के अनुसार 14 to 18 billion ईयर ओल्ड यानी पुराने हैं। ओल्डर देन द एस्टिमेटेड एज, एस्टिमेटेड एज यानी अनुमान के अनुसार से ज़्यादा वो पुराने हैं ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स से। सो आइदर द स्टार्स मस्ट बी यंगर और द यूनिवर्स ओल्डर, तो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि जो स्टार्स हैं वो ज़्यादा छोटे हैं या जो यूनिवर्स है वो बड़ा है। मतलब कौन सा ज़्यादा कितने साल ईयर्स ओल्ड है किस चीज़ से, स्टार्स ज़्यादा पुराने हैं या यूनिवर्स ज़्यादा पुराना है। द फार्देस्ट गैलेक्सी येट डिटेक्टेड आर अबाउट 13 billion लाइट ईयर्स अवे, यानी जो फार्देस्ट गैलेक्सीज, फार्देस्ट यानी जो बहुत दूरी पे गैलेक्सीज हैं वो उनका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है और उनका ये पता चला है कि वो कितनी है, 13 billion लाइट ईयर्स अवे हैं यानी 130 billion trillion किलोमीटर्स अवे हैं। The universe is getting bigger by the second, जो हमारा universe है वो हर एक second में getting bigger, बड़ा होता जा रहा है। We know this because हम इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि all the galaxies are zooming away from us, जो भी galaxies जितनी भी हैं वो हमसे zooming यानी zoom के दूर जा रही हैं। द फर्दर अवे दे आर, और जितनी दूरी पे वो हैं द फास्टर दे आर मूविंग, उतना ही तेज वो जा रही हैं।
The very farthest galaxies are spreading away from us at more than 90% of the speed of light. यानी जो बहुत दूरी पे, farthest यानी जो बहुत दूरी पे या सबसे अधिक दूरी पे जो galaxies हैं, वो इतना ज़्यादा तेज़ी से spread कर रही हैं, यानी फैल रही हैं कि वो 90% of the speed of light, light की speed से भी 90% की तेज़ी के साथ वो बाकी जगह फैल रही हैं. The universe was once thought to be everything that could ever exist. Yani universe pehle ye socha jata tha, ye thinking thi ki universe hi sab kuch hai jahan pe log reh rahe hain. But recent theories about inflation like the Big Bang suggest our universe may be must one of the countless bubbles of space-time. Yani, lekin jab recent theories, jab kai sari theories aayi, jaise inflation ki, Big Bang ki, jaise jisme wo hua tha na, abhi humne pehle padha tha, Big Bang theory kaun si thi, jisme explosion hua tha na, to jab ye sari theories padhi gayi, pata lagaya gaya, to isse ye pata chala ki jo hamara universe hai, wo सिर्फ एक इकलौता नहीं है, और भी काउंटलेस बहुत सारी चीजें हैं किसमें, स्पेस टाइम में, स्पेस टाइम की. द यूनिवर्स मे हैव नाइदर अ सेंटर नॉर एन एज. यानी जो यूनिवर्स है, ना ही उसका कोई सेंटर है और ना ही कोई एज है, कोना है. बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के हिसाब से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी बेंड्स all of space-time around into an endless curve. यानी जो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो इनकी थ्योरी है रिलेटिविटी की, ग्रेविटी की, ये सब क्या करती है, ये सब क्या करती है, ये सब स्पेस टाइम को जो है वो एंडलेस कर्व यानी पूरी तरीके से अत्यहीन वक्र बनाती है. यानी कि कोई भी उसका एंड नहीं है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन. Okay, so now we will study about the skeleton. यानी हमारे कंकाल के बारे में पढ़ेंगे. Your skeleton is a rigid framework of bones. यानी जो हमारा skeleton है, जो हमारा कंकाल है, वो rigid यानी कठोर, framework यानी ढांचे. यानी जो हमारा skeleton है, वो एक कठोर ढांचे की bones से बना हुआ है. Which provides an anchor for your muscles. यानी जो हमारी muscles को सहारा देता है, मांसपेशियों के जो जिसके through हमारी जो body है वो किसके through है, हमारे skeleton के through है ना, तो क्या करता है, हमारे मांसपेशियों को सहारा देता है. And protects vital organs. और महत्वपूर्ण organs, जो भी महत्वपूर्ण organs है हमारे शरीर की, उनको क्या करता है, protect करता है, यानी उनकी रक्षा करता है. An adult skeleton has 206 bones joined together by rubbery cartilage. यानी जो adult की bones होती हैं, जो adult का skeleton होता है, कंकाल होता है, उसमें कितनी bones होती हैं, 206 bones होती हैं, जो कि किस चीज़ से जुड़ी हुई होती हैं, rubbery cartilage. cartilage यानी जो हमारी रीब के साइड की हड्डियाँ होती हैं, वहाँ से जुड़ी हुई होती हैं, 206 bones होती हैं. Some people have extra vertebrae, यानी कुछ लोगों में ज़्यादा vertebrae, vertebrae यानी जो bone होती है, backbone की या spine की उन्हें बोलते हैं vertebrae, तो कुछ लोगों में ज़्यादा bones होती हैं. A baby's skeleton has 300 or more bones. एक बेबी के स्केलेटन में कितनी बोन्स, देखो एडल्ट के स्केलेटन में 206 होती हैं और बेबी के स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, 300 बोन्स होती हैं. बट सम ऑफ दीज फ्यूज टुगेदर एज द बेबी ग्रोज ओल्डर. यानी बेबी जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, तो ये जो बोन्स होती हैं बाकी की, वो धीरे धीरे फ्यूज होने लगती हैं, यानी मिलने लगती हैं, ज्वाइन करने लगती हैं एक दूसरे से. तो फिर क्या होता है कि बोन्स उनकी कम होके 206 उनकी भी हो जाती हैं जब वो बेबी से एडल्ट होते हैं. The parts of an adult skeleton that have fused into one bone include the skull and the pelvis. यानी जो adult skeleton के parts होते हैं वो fuse होके यानी join होके किसमें, एक bone बनाती है skull की और एक bone बनाती है pelvis की. यानी एक upper bone होती है और एक lower bone होती है. See the skull, skull को देखिए. The pelvis came from fusing the ilium bones. Pelvis कहाँ से आती हैं, जब ilium bones
फ्यूज होती हैं यानी ज्वाइन होती हैं एक दूसरे से, और स्कीम बोन्स एंड द प्यूबिस इन सब से, द स्कीमीज इज द बोन दैट यू सिट डाउन ऑन, ये वो बोन होती है जिसके थ्रू हम बैठते हैं, जैसे जैसे जो हम बैठते हैं तो उसमें हमारी स्किम बोन हमारी मदद करती है, यानी ये बोन वो होती है जिसके थ्रू हम सिट करते हैं बैठते हैं। द स्केलेटन हैज टू मेन पार्ट्स, स्केलेटन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, द एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब नीचे देखो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिफाइन किया गया है, वो पढ़ेंगे। द एक्सियल स्केलेटन इज द 80 बोन्स ऑफ द अपर बॉडी, यानी जो ऊपरी हिस्से की जो बोन्स होती हैं 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन में, यानी जो ये ऊपर का हिस्सा हो गया पूरा, ये एक्सियल स्केलेटन, और देखो आपको पिक्चर में दिया हुआ है ना, ये जो ऊपरी हिस्सा है ये पूरा एक्सियल स्केलेटन है, जो ये नीचे का, ये नीचे वाली जो हड्डियाँ हैं ये क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो इसमें एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं अपर बॉडी में, और इट इंक्लूड्स, यानी इसमें क्या क्या रहता है, स्कल रहती है, वर्टिब्री ऑफ द बैक बोन, रिब्स और बीस्ट बोन्स, यानी ये वाली बोन्स ये एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। द आर्म एंड शोल्डर बोन्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम इट, जो आर्म्स होती हैं और शोल्डर बोन्स होती हैं यानी वो इसमें ऐड नहीं होती हैं, सिर्फ ये जितना दिया है स्कल, वर्टिब्री, बैक बोन, रिब्स, बीस्ट बोन्स, ये सब एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज द अदर 126 बोन्स, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये जो दूसरा स्केलेटन है इसमें कितनी बोन्स होती हैं, 126 बोन्स होती हैं। 126 बोन किन किन को लेके, द आर्म, शोल्डर बोन्स एंड द लेग एंड हिप बोन्स, यानी इनमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, आर्म की बोन आती है, शोल्डर, शोल्डर पीछे की बोन्स आती हैं, और जो लेग की बोन होती है वो आती है, और जो हिप्स की बोन होती हैं वो आती हैं। इट इंक्लूड द फीमर, फीमर क्या होती है, फीमर थाई की बोन होती है ना, तो जो लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर, वो भी किस में आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। मोस्ट वुमेन एंड गर्ल्स हैव स्मॉलर एंड लाइटर स्केलेटन देन मैन एंड बॉयज, यानी वुमेन और गर्ल्स में मैन के अकॉर्डिंग छोटा और हल्का स्केलेटन होता है। बट इन व्यू वुमेन एंड गर्ल्स, लेकिन वुमेन और गर्ल्स में जो पेल्विस होती है वो मच वाइडर यानी बड़ी होती है देन इन मैन, मैन के अकॉर्डिंग एंड बॉयज के अकॉर्डिंग। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, द ओपनिंग हैज़ टू बी वाइड, उनकी ओपनिंग बड़ी होती है, ऐसा क्यों होता है, एनफ फॉर अ बेबी, जिससे कि जो बेबी है वो आसानी से जन्म ले सके, तो इसलिए उनकी जो पेल्विस होती है यानी उसे कुछ भी कह लीजिए, पेट कह लीजिए, चाहे पेड़ू कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो वो थोड़ा मेंस और बॉयज के अकॉर्डिंग में ज़्यादा बड़ी होती है, तो वो किस लिए बड़ी होती है, ताकि जो बेबी है वो आसानी से बॉर्न कर सके यानी जन्म ले सके। So now your book up to page number 39 is completed and bring it to school for checking.